Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, in the previous video we have learned how to write rupees and paise in words and figures. So today we will learn how to convert rupees and paise. So question number 3 is convert the following rupees into paise. It means जो हमें rupees and paise दिए हैं वह हमें paise rupees को paise में convert करना है. So हम क्या करेंगे? Number A is rupees 88 and 50 paise. 88 rupees 50 paise को convert करने है rupees and paise में. अब हम देखेंगे ये हमारे पास rupees है और ये हमारे पास पैसे दिए गए हैं, तो हम पहले पैसे को साइड करेंगे एंड जो रुपीज़ हैं उसे हम कन्वर्ट करेंगे. सो हमने पहले देखा हुआ है, हमने पढ़ा है कि जब भी कन्वर्ट मेथड होता है उसमें दो मेथड यूज किए, जो हमारे पास है वो पहले एंड जिसमें कन्वर्ट करना है वो बाद में. हम क्या करेंगे? नंबर वन रुपीज़ 88, तो हमारे पास रुपीज़ हम कन्वर्ट पैसे में करना है, तो वन रुपी इक्वल्स 100 पैसे. 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं. सो हम क्या करेंगे, 1 एंड 100 को हम कंपेयर करें, तो 1 कम और 100 ज़्यादा, इट मीन्स कम से ज़्यादा बना है. तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देन 88 मल्टीप्लाई बाय 100, देन प्लस जो 50 पैसे हमारे पास ऑलरेडी दिए गए हैं. अब हम सॉल्व करेंगे इसे, 100 मल्टीप्लाई बाय 88, देखेंगे 0 0 है और यहाँ ऊपर 1 है, तो 8 1 8 8 1 8 एंड 2 0 लगा देंगे हम राइट साइड में, तो हमारे कितने आ गए 8800 पैसे आ गए. एंड प्लस 50 पैसे जो हमारे दिए हैं उसे हम प्लस कर देंगे, 8800 पैसे प्लस 50 पैसे. वन स्पेस से स्टार्ट करते हुए 0 के नीचे 0, नेक्स्ट 0 के नीचे 5, देन प्लस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 5 5 8 8, आंसर आया हमारा 8850 पैसे. 88 रुपीस 50 पैसे इक्वल्स 8850 पैसे. नंबर सी इज रुपीस 18 and 40 पैसे. 18 रुपीस 40 पैसे को कन्वर्ट करना है हमें पैसे में. वही रूल नंबर 1 हमारा, जो हमारे पास रुपीस पहले दिए हैं, तो हम लिखेंगे 1 रुपी इक्वल्स 100 पैसे. लोअर टू हायर यूनिट में जाना है, मीन्स कम से ज़्यादा करना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन 80 रुपीस मल्टीप्लाई बाय 100 पैसे, देन प्लस 40 पैसे. सॉल्व करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 18 को 1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 18 1 18, देन पुट 3 2 0s, देन 1800 पैसे प्लस 40 पैसे, 1800 प्लस 40 पैसे. वन स्पेस से स्टार्ट करते हुए हम लिखेंगे 0 and 4, देन प्लस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 4 4, 8 and 1, आंसर इज 1840 पैसे. मीन्स 18 रुपीज 40 पैसे इक्वल्स 1840 पैसे. क्वेश्चन नंबर डी इज रुपीज 65 and 25 पैसे. 65 रुपीज 25 पैसे को कन्वर्ट करना है हमें पैसे में. हम क्या करेंगे, रुपीज़ को पहले लिखेंगे 1 रुपी इक्वल्स 100 पैसे, कम से ज़्यादा करना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 65 मल्टीप्लाई बाय 100 पैसे, देन प्लस 25 पैसे. 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 65 से. हम क्या करेंगे, 65 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5 6 1 6, इनपुट 2 0, नंबर आया 6500 पैसे, एंड प्लस 25 पैसे. 6500 पैसे में प्लस किया 25, वन स्पेस से स्टार्ट करते हैं 5 and 2, 0 प्लस 5 5, 0 प्लस 2 2, 5 and 6, आंसर इज 6525 पैसे. मीन्स 65 रुपीज 25 पैसे इक्वल्स 6525 पैसे. क्वेश्चन नंबर 4 इज कन्वर्ट द
following into rupees. Means हमें पैसे दिए हैं और उसे कन्वर्ट करना है रुपीज में. पहले क्वेश्चन में हमने रुपीज दिए थे, पैसे में कन्वर्ट किया था. अब अपोजिट हो जाएगा. नंबर ए है 8,560 पैसे दिए गए हैं हमें, उन्हें कन्वर्ट करना है रुपीज में. हम सेम रूल में जाएंगे, जो हमारे पास है पहले वो लिखेंगे एंड कन्वर्ट जिसमें करना है वो बाद में लिखेंगे. हमारे पास पैसे दिए गए हैं और रुपीज में कन्वर्ट करना है. मीन्स अब हम अपोजिट हो जाएगा 100 पैसे इक्वल्स 1 रुपी. पहले हमारे पास रुपीज थे तो हमने पहले रुपीज लिखे और कन्वर्ट पैसे में करना था वो बाद में लिखा. अब अपोजिट हो जाएगा, पैसे दिए हैं हमने पैसे पहले लिखे, रुपीज में कन्वर्ट करना है हम बाद में लिखेंगे. अब हम कंपेयर करें 101 को. 101 में से हम देखेंगे क्या ज़्यादा है. 100 ज़्यादा है मीन्स हायर टू लोअर यूनिट में जाना है, ज़्यादा से कम करना है हमें. तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे. देन हम लिखेंगे 8,560 डिवाइडेड बाय 100. सम करेंगे हम, 100 के टेबल बोलेंगे जब तक हम देखेंगे यहाँ 1, 2, 3, 4 फिगर दिए हैं. यहाँ हमारे यहाँ आ जाएगा 856. मीन्स जब तक हमारे 800 नहीं था, 100 8 800 109 900 आ जाता है. 900 हो जाएगा हमारा 856 से बिगर नंबर. सो हम उसमें क्या जाएंगे, 8 तक जाएंगे. 100 8 800. हम वंस प्लेस से स्टार्ट करते हुए 6 के नीचे 0, 5 के नीचे 0 एंड 8 के नीचे हम 8 लिख देंगे. देन माइनस करेंगे 6 माइनस 0 6, 5 माइनस 0 5, 8 माइनस 8 0. देन ब्रिंग डाउन 0, नंबर इज 560. 100 के टेबल बोलेंगे जब तक 560 नहीं आ रहा था. 100 5 500 एंड 100 6 600. 600 बिगर नंबर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसे लोअर मीन्स 500 तक जाएंगे. 100 5 500, 560 के नीचे लिखेंगे हम वंस प्लेस से स्टार्ट करते हुए 0 0 एंड 5. देन माइनस 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 0 6, 5 माइनस 5 0. अब हम देखेंगे आगे कोई भी नंबर नहीं है सो हमारे यहीं पर आंसर लिखेंगे हम. तो हमारा 85 तो क्या बन जाएगा, हमारा जो हमारा क्वेश्चन डब्बा हो जाएगा रुपीस एंड जो 60 पैसे आएंगे, 60 आया और रिमाइंडर वो हमारा बन जाएगा पैसे. हमारा आंसर आएगा 85 रुपीज 85 एंड 60 पैसे. नेक्स्ट नंबर बी, 1,905 पैसे दिए हैं हमें और कन्वर्ट करना है उसे रुपीस में. वही फॉलो करेंगे हम रूल जो हमारा कन्वर्ट में हमेशा जाता है. जो चीज़ हमारे पास है, हमारे पास पैसे दिए हैं रुपीस में कन्वर्ट करना है. हम क्या लिखेंगे, पहले 100 पैसे इक्वल्स 1 रुपी. ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, ज़्यादा से कम. 100 ज़्यादा कम, 1 कम है तो 100 से 1 मीन्स कम, ज़्यादा से कम करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. 1,905 डिवाइडेड बाय 100 सॉल्व करेंगे हम. 1,905 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ हमारा 1, 2, 3, 1 10 100s और 1 10 100,000 डिवाइड में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के नंबर से लेते हैं. तो हम क्या करें, 100 की टेबल बोलेंगे. 100 1 100 100 2 200. अब हम देखेंगे 190 मीन्स अब 190 से 200 ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसी से उसके कम नंबर वाला 100 1 100 तो 0 के नीचे 0, 9 के नीचे 0 एंड 1 के नीचे 1 लगा देंगे. देन माइनस करेंगे 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 0 9, 1 माइनस 1 0 एंड ब्रिंग डाउन 5, नंबर इज 905. अब हम टेबल बोलेंगे 100 की जब तक हमारा 905 नहीं आएगा. 100 9 100 110 1,000. हम क्या लिखेंगे, 1,000 ज़्यादा हो जाएगा सो हम क्या करेंगे, 9 तक लेकर आएंगे. 100 9 900, देन 0 0 एंड 9, देन माइनस 5 माइनस 0 5, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 9 0. आगे कोई भी नंबर नहीं है सो हमारा जो 19 आया है, जो हमारा क्वेश्चन है, वह तो हमारा बन जाएगा रुपीस एंड जो 005 मीन्स 5 आया है हमारा रिमाइंडर, वह बन जाएगा हमारा पैसे. हमारा आंसर आएगा रुपीस 19 एंड 5 पैसे मीन्स 1,905 रुपी पैसे इक्वल्स 19 रुपीज एंड 5 पैसे. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू प्रैक्टिस बोथ क्वेश्चंस मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 इन योर नोटबुक.